ये देखिए दोस्त, अंडा से दोस्तों आवाज निकल रहा है, चुई चुई बोल रही है। हाँ, लीजिए लीजिए। हम इसका दोस्तों हम थोड़ा सा ये कवच को हटा देते हैं ताकि आसानी से ये निकल जाए। निकल जाए अंडा से बाहर। अभी दोस्तों हम अंडे से काफी अच्छा हम निकाल दिए हैं, और ये भी दोस्तों जिंदा हो जाएगा, काफी अच्छा है। देखिए, और ये देखिए दोस्तों, काफी प्यारा प्यारा और सुंदर सुंदर बदक का चूजा। अभी दोस्तों हम बदक के चूजा के लिए देखिए खाना दे दिए हैं, और काफी अच्छा सा प्यारा सा खा रहा है। काफी प्यासा और भूखा था दोस्तों, और इसकी मम्मी भी अभी खा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ये सारे का ब्लॉग्स में। तो दोस्तों हम सुबह सुबह घरों के सभी कामों को कर चुके हैं, और इधर भैया लोग भी अपने कामों में लग चुके हैं। देखिए मसाला भी तैयार कर चुके हैं, और हम चलते हैं दोस्तों। सुबह सुबह संदीप जी पानी मार रहे हैं दीवार में, और इस तरफ देखिए दोस्तों, संदीप जी सुबह सुबह पानी दीवार पे दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए पूरा प्लास्टर भैया लोग बाहर साइड किए हैं। इसे दोस्तों हम डेली सुबह सुबह इसी तरह हम पानी डाल रहे हैं, और अभी दोस्तों हम अंदर साइड भी दिखाते हैं कितना हुआ है प्लास्टर उसे। इसे सबसे पहले हम पूरा साइड अभी पानी डाल देते हैं। और अभी दोस्तों हम फाइनली देखिए पूरा दीवार में हम पानी डाल दिए हैं, पीछे साइड भी दोस्तों, आगे साइड भी, और उस साइड भी, सब साइड हम दोस्तों इसी प्रकार पूरा अच्छा से पानी डाल दिए हैं। अभी काफी अच्छा ये पकेगा दीवार। और अभी दोस्तों हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं दोस्तों कितना प्लास्टर हुआ है अंदर साइड रूम में। तो चलिए जी, और माही बेटा को दोस्तों हम सुला दिए थे, वो सो रही थी। हाँ, दवाई पिला दिए। और अभी दोस्तों हम अंदर चलते हैं, ये देखिए ये रूम पूरा कंप्लीट हो चुका है। भैया लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, शायद ही आवाज भी नहीं आ रहा होगा। जी हाँ, हम इस साइड से दोस्तों एक तरफ से हम दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों काफी सुंदर, और ऊपर में पहले छेद था और छेद भी बंद हो चुका है। ये देखिए, और अभी दोस्तों हम सामने रूम में जाते हैं, माहे बेटिया को हम सुला दिए थे, और ये देखिए दोस्तों माहे बेटिया उठ भी गई है। और यहाँ पास दोस्तों हम मिस्त्री भैया लोगों के लिए दे दिए हैं, और ये बेड में उन लोग सोते हैं, और हम तो दोस्तों किचन रूम के नीचे साइड सोते हैं। माहे बेटिया नमस्ते बोल दीजिए, उठ के बोल दीजिए। हाँ माही बेटा क्या और भी दोस्तों नमस्ते। तो दोस्तों अभी हम इस रूम को दिखाते हैं। देखिए ऊपर साइड वहाँ से वायर जाने के लिए भैया जो पाइप को डाल दिए हैं, वो पाइप को दोस्तों हम बाद में निकाल देंगे जब प्लास्टर थोड़ा सा सूखेगा अच्छा तो। और ये देखिए दोस्तों काफी अच्छा हुआ है, और इस साइड खिड़की है और इस साइड भी खिड़की है। दो रूम दोस्तों पूरा कम्प्लीट हो चुका है, और अभी हम चलते हैं ये साइड दोस्तों, ये तीसरा रूम, यहाँ पास शुरू है भी काम ऊपर साइड से प्लास्टर करते करते नीचे साइड उतार रहे हैं। यहाँ से दोस्तों पूरा ऊपर साइड हो चुका है, और यहाँ पास गया है भी मिस्त्री भैया ऊपर में है, और नीचे साइड जो भी मसाला गिरा था सबको उठाकर फिर से ऊपर में मार रहे हैं। अरे भैया का नाम दोस्तों गोलू है। जी जी जी, नेचर में दोस्तों काफी अच्छा प्यारा स्वभाव है भैया का, बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, सभी भैया जी 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 प्यारे हैं। बहुत अच्छे हैं, और ये मिस्त्री भैया भी दोस्तों बहुत अकेला मिस्त्री होने के बजाय और इतना स्पीड से काम हो रहा है, हम तो बहुत खुश हैं। और यहाँ पास भी दोस्तों हम देखिए अंदर में पूरा पानी भर के रख दिए हैं दो दो ड्राम में, अरे दीवार को भिगाना पड़ रहा है। और इस साइड दोस्तों देखिए यहाँ पे ये छेद छोड़ दिए हैं, यहाँ से वायर जाएगा दोस्तों उस साइड हॉल की तरफ, और इस साइड एक भैया खड़े हैं। और अभी दोस्तों हम बाहर निकल गए हैं, सभी प्लास्टर को हम दिखा दिए हैं, और माही बेटा को दोस्तों अपने साइकिल में बैठा दी है। देखिए काफी अच्छा चला रही है दोस्तों। आप लोगों का कमेंट आया था जो माही के और मेरे में दोस्तों जो मिला था वो दांत टाइप का, उसे हम दिखाते हैं, यही पास मिला था दोस्तों, काफी अच्छा हो गई। यही है दोस्तों, देखिए ये काला काला पड़ा है।
यही गोली है दोस्तों सुबह शाम जो डॉक्टर जी ने हमें दिया था और काफी अच्छा गोली है दोस्तों, इतना जल्दी आराम मिला। अभी दोस्तों हम अंदर खोल के दिखाते हैं, मस्त छोटा छोटा सफेद सफेद गोली है और खाने में दोस्तों शक्कर की तरह लगता है मीट। ये देखिए दोस्तों काफी अच्छा छोटा छोटा ये गोली है जी जी, और इसे माँ बेटे काफी अच्छा पसंद करती है। हाँ, और खा दूं बोलती है। और ये देखिए दोस्तों काफी जल्दी ये छूट गया, वो छोटे छोटे गोली को रोज सुबह शाम खाने के बाद मस्त छूट गया है ना जी। जी, और ये सफेद कलर है, ये हम उम्मीद करते हैं कि ये बराबर हो जाएगा जी। जी, ये छिलटे ऊपर का निकल गया है ना, इसके वजह से ये सफेद हाँ। दिख रहा है। ये भी काफी संक्रमित था दोस्तों, एकदम देखिए कितना जला दिया, जला हुआ इतना बड़ा पूरा जल गया यहाँ पास। हाँ, और ये काफी जल्दी और अच्छा काम किया दोस्तों, होम्योपैथी वाला ये छोटा छोटा गोली। और हम दोस्तों मशरूम उठाने के लिए गए थे, ये भैया लोगों के लिए ही सब्जी बनाकर खिलाएंगे बोले थे, तो दोस्तों हम ऐसे हम शेयर कर दिए थे कि हमें पहचान में नहीं आ रहा इसमें कीड़ा चला है या क्या बीमारी है बोल के, और आप लोगों से दोस्तों हम सुझाव मांगे थे। आप लोगों ने दोस्तों काफी अच्छा हमें सुझाव दिए, और जितना जल्दी हो सके उतना डॉक्टर के पास जाओ। और हमें तो पता नहीं था किसे नगीना या नागिन कहते या हारपीच कहते, लेकिन आप लोगों के कमेंट से हमें पता चला ये बीमारी को जल्दी से जल्दी इलाज करने से ठीक है, नहीं तो बड़ा जगह में संक्रमित होता है। तो दोस्तों आप सभी को हम हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, समय पर दोस्तों हमें आगाह किए और भेजे दवाखाना और बताए तो ना जी। और अभी दोस्तों हम घर से बाहर निकल गए हैं, वहाँ पास दोस्तों वो काम भैया लोग कर रहे थे, इधर उधर मसाला सीमेंट ले जा रहे हैं। दोस्तों हमें ये बताते काफी हृदय से खुशी हो रहा है, एक वीडियो में दोस्तों आप लोगों के साथ हम साझा और शेयर किए थे, हम गांव तरफ दोस्तों गए थे पौधा ढूंढने के लिए जी, जी, जी। आम का, इमली का, अमरूद का, कई प्रकार से हाँ। दोस्तों गांव देहात में जो अपने से गिरा रहता है बीज फिर उग जाता है, और केला भी हम मांग के लाए थे, तो दोस्तों हमें क्या दिखा, पड़ोसियों के पास बहुत सारा बदक था जी। तो दोस्तों हमने पूछे कि आपके पास बदक कांडा मिलेगा क्या, बोले तो उनके पास दोस्तों बदक कांडा था और हमें दिए थे दोस्तों आठ था ना जी। जी, तो दोस्तों उसे हम क्या किए, जो हमारे पास मुर्गी अंडा दे रही थी तो मुर्गी का अंडा को हम निकाल दिए और बदले में दोस्तों अल्टी पल्टी कर दें, बदक के अंडा को दोस्तों मुर्गी में हम रख दिए थे जी, मुर्गी बैठने लगा था तब रखे जी। हाँ हाँ हाँ, बस एक दो दिन बैठा था दोस्तों मुर्गी। हाँ। तो ये क्या हुआ दोस्तों, जब से हम डाले थे और आज दोस्तों पूरा 4 हफ्ता हो चुका है, यानी कि 1 महीना टोटल जी, जी। और दोस्तों हमारा जो डाले हुए जो अंडा था उसे काफी अच्छा दोस्तों देसी मुर्गी फोड़ के बदक कंडा निकाल दी है। तो दोस्तों क्या हुआ, एक दिन शाम का समय था और भैया लोग दोस्तों इस रूम को मार रहे थे प्लास्टर, तो हम उन्हें सामने वाला रूम में दे दिए थे यहाँ पास सोइए बोल। उसी शाम को दोस्तों वहां से जो मुर्गी के घोंसले से दोस्तों बदक का चुज्जा निकला, तो वो भैया देखने के बाद पूरा हैरान हो गए। वो डर गए। और ये भी बहुत खुशखबरी की बात है दोस्तों कि वो 15 अगस्त के दिन ही दिया जी जी। हाँ हाँ। तो दोस्तों वो फिर पूछने लगे कि ये मुर्गी कैसा अचानक से, ये बदक कैसे अंडा दिया, कैसे निकला, तो हम बताएं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं और जो मुर्गी है और वो बदक का चूजा है उसे हम बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं दोस्तों, काफी प्यारा प्यारा है। और हम सुबह टाइम दोस्तों उसके थोड़ा सा हम खाना दे दिए थे। हाँ। और खाना का भी दोस्तों बहुत अच्छा खाती है, थोड़ा सा माही बिटिया से दोस्तों हमें थोड़ा सा बड़ा होने तक बचा के रखना है, सावधान रखना। हाँ, माही बिटिया दोस्तों वो मुर्गी का बदक कंडा के लिए ना काफी शौकीनदार है दोस्तों, वो क्या है देख के पकड़ने के लिए होती है। तो चलिए जी, चलिए चलिए निकालते हैं। और अभी दोस्तों हम आ गए हैं और देखिए सामने साइड मस्त साइकिल को हम रख दिए है ना जी, और यही पास दोस्तों हम मुर्गी को रख दिए थे क्योंकि प्लास्टर हो रहा है। और इसमें से दोस्तों देखिए एक अंडा बच गया है, ये वाला अंडा। हाँ, खराब हो गया जी। और ये जिंदा है क्या जी? जी जी, निकलेगा जैसे लगता। और देखिए दोस्तों यहाँ से सांस ले रही है और ये जिंदा है। और ये हम कई बार प्रयास किए कि दोस्तों यहाँ मुर्गी को बिठा कर हम रखे थे ताकि इसे फोड़े बोल के, लेकिन फोड़ती ही नहीं है मुर्गी यहाँ से। हाँ, घोंसले से निकल जा रही है, निकलना चाहता है जी। देखिए ये देखिए जिंदा है। हाँ 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 हाँ, ये देखिए दोस्तों उसका चोंच दिख रहा है। नहीं नहीं, पैर है। पैर नहीं है जी? पैर है जी। रेशमा जी दोस्तों काफी जिद मारती है, हम दिखाते हैं, ये चोच है जी, देखिए बदक हाँ। का बड़ा चोच रहता है ना? हाँ, ये देखिए दोस्तों अंडा से दोस्तों आवाज निकल रहा है, चुई चुई बोल रही है। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। हम इसका दोस्तों हम थोड़ा सा ये कवच को हटा देते हैं ताकि आसानी से ये निकल जाए अंडा से बाहर।
देखिए वो जिंदा है। जिंदा है जी। हम समझ नहीं पा रहे हैं दोस्त, कई बार हम प्रयास किए कि इसे मुर्गी फोड़े लेकिन ये घोंसले में बैठ ही नहीं रही है। जी जी उधर लेके चला गया। अभी दोस्तों हम अंडे से काफी अच्छा हम निकाल दिए हैं और ये भी दोस्तों जिंदा हो जाएगा, काफी अच्छा है। देखिए इसे हम अंडे से बाहर नहीं निकाल रहे थे दोस्तों, मुर्गी अधूरा फोड़ दी थी और आधा तरफ नहीं फूटा था और ये दोस्तों रो रही थी, तो हम पूरा तरह से अच्छे से भी निकाल दिए हैं और इसे दोस्तों उसकी मम्मी के पास हम रख देंगे ताकि इसके मम्मी के गर्म से ना दोस्तों ये अच्छा से हो जाएगी भी। और अभी दोस्तों हम घर से बाहर निकाल लिए हैं बदक का चूजा को। ये देखिए रेशमा जी पकड़ी है, उसी मुर्गी के जरिए दोस्तों हम वो बदक का चूजा को हम निकाले हैं और माही बेटिया काफी खुशी नजर दिख रही है। देखिए माही जोर से मत दबाइए ठीक है। हाँ ज्यादा, हाँ छोड़ दीजिए। और ये देखिए दोस्तों काफी प्यारा प्यारा और सुंदर सुंदर बदक का चूजा, 8 अंडा था दोस्तों उसमें से 5 निकाला है और अभी अभी दोस्तों हम एक अंडा से बाहर निकाल दिए हैं, वो भी जिंदा है यानी कि टोटल 6 है। ये देखिए अब पहचान में नहीं आएगा दोस्तों नर मादा कौन सा है, ये बड़ा होने पर ही पहचान में आएगा। सुंदर सुंदर माही छोड़ दीजिए। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा सुंदर इधर उधर टहल रहा है। मम्मी छोड़ देती है इसको भी, उसकी मम्मी को रख दीजिए। अरे मुर्गी दोस्तों ये बदक का चूजा को अपना ही संतान समझ रही है, यानी कि अपना ही वो बच्चा समझ रही है और इसे दोस्तों ये मुर्गी पूरा पाल लेगी बड़ा होने तक अच्छा से। और अभी दोस्तों हम बदक के चूजा के लिए थोड़ा सा हम भोजन दे देते हैं, खाएगी और पानी भी पिला देते हैं। हाँ टोटल दोस्तों मुर्गी को ये अंडा को फोड़ने के लिए 1 महीना लगा है और 1 महीने में दोस्तों देखिए पूरा बदक का चूजा निकला अंडा से। और चलिए अभी हम लेकर चलते हैं और इसे दोस्तों हम थोड़ा सा हम भोजन खिलाते हैं यानी कि खाना दे देंगे। भूख लगा है और प्यासा भी बहुत काफी है और काफी ज्यादा चंचल है दोस्तों ये बच्चा, अभी पानी में छोड़ देंगे तो बहुत तैरेगी ये। पानी लाएंगे वहीं? हाँ हाँ लाइए लाइए। अभी हम निकाल दिए हैं घोंसला से तो अपने मम्मी के पीछे पीछे देखिए जा रही है और अभी चराएगी, लेकिन अभी दोस्तों हम नहीं छोड़ेंगे, लोमड़ी उमड़ी पूरा दोस्तों पकड़ के खा देगा, थोड़ा बड़ा होगा फिर ही दोस्तों हम बाहर छोड़ेंगे। ये देखिए माही बिटिया भगा रही है, रहने दीजिए। नहीं नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए, खाना दे देंगे ना। नहीं नहीं माही रहने दीजिए। अभी दोस्तों हम बदक के चूजा के लिए देखिए खाना दे दिए हैं और काफी अच्छा सा प्यारा सा खा रहा है, काफी प्यासा और भूखा था दोस्तों और इसकी मम्मी भी अभी खा रही है। और अभी दोस्तों हम मुर्गी को जहाँ था वही पास हम अच्छा से ढक के रख दिए हैं क्योंकि दोस्तों माही बिटिया ना वो जो चूजा है उसे पकड़ने के लिए वो दौड़ रही थी और अभी वो दोस्तों छोटा है नाजुक है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में वो काफी अच्छा सा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में हम बाहर निकालेंगे और बाहर में दोस्तों कई प्रकार से भी उसको बचाना भी है क्योंकि यहाँ पास बाज भी आता है जो दोस्तों मुर्गी को पकड़ के ले जाती है और लोमड़ी भी आती है, तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो दोस्तों दौड़ के भी घर आ सकती है ना जी। जी जी, जी। हाँ चलिए दोस्तों ठीक है, तो और आज का व्लॉग थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों चैनल में अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई व्लॉग में और तब तक के लिए माही बिटिया बोल दीजिए बाय बाय।